नमस्कार दोस्तों, यवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है ए प्लस की एम्पलीफायर की प्राइस और पूरा कितने वाट की स्पीकर इसमें लग सकता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे मॉडल है यहाँ पे, VAP 99 3300 से लेके VAP 9900, बहुत अच्छे मॉडल्स है ए प्लस की। डीजे के लिए ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं ए प्लस, और बहुत लोग यूज कर रहे हैं। मैं बहुत डीजे सेट देखा हूँ जहाँ पे ये बहुत ही यूज होता है। ए प्लस एम्पलीफायर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्लास ए बी से लेके क्लास एच तक की है। तो चलिए बात करते हैं पहली एक एक एम्पलीफायर। पहले जाएंगे VAP 3300, तो यही है VAP 3300 ए प्लस की, जो कि 10,000 से 12,000 के अंदर आपको आ ही जाएगा। बहुत अच्छा है, दो चैनल है इसमें। आप इसमें 8 ओम पे एक चैनल पे 300 वाट, दूसरे चैनल पे 300 वाट लोड दे सकते हैं। उसके बाद अगर 4 ओम पे अगर इसको चल आप लोड देने देना चाहते हैं, तो इधर 450 वाट, इधर 450 वाट, मतलब आप 200 को 200 का 200 200 और 40 वाट का एक ट्विटर का एक बॉक्स आप लगा सकते हैं एक साइड पे, और दूसरे साइड पे भी वैसे ही आप सेम बॉक्स 400 या 450 वाट या 500 वाट का लगा सकते हैं। ये क्लास ए बी की सर्किटरी आएगी, बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी रहेगी। 12 kg इसकी वेट है। तो बाकी बैक साइड पैनल तो सेम है, सब में आपको स्पीकर कनेक्टर्स मिल जाएंगे, बाकी वाइंडिंग बोल्ट सारा चीज आपको वैसे ही मिलता है। जो डैम्पिंग फैक्टर है 300 रहता है एट द रेट ऑफ आपकी 8 ओम पे, जो कि इम्पीडेंस के हिसाब से आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू। और बाकी चलिए बात करते हैं दूसरी, जो ए प्लस की VAP 5500, ये जो मॉडल है इसमें आपको 8 ओम पे इसमें लगा सकते हैं, 500 500 का लोड दे सकते हैं दोनों चैनल पे। उसके बाद अगर 4 ओम पे चला रहे हैं, मतलब इधर 700 वाट, इधर 700 वाट, और 2 ओम पे चला रहे हैं, तो इधर चैनल वन पे आप 1000 वाट का स्पीकर डाल सकते हैं, और चैनल दो पे भी आप 1000 वाट का स्पीकर डाल सकते हो। चाहे आप टॉप डालो या जो भी आप, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये था VAP 5500, जिसका कीमत आपको 12,000 से 15,000 के बीच आएगी, 19-20 हो सकती है, डायरेक्ट रेट इसीलिए नहीं बता सकते, हर डीलर के पास ये अलग अलग रेट में आता है, बस आप बेस्ट बार्गेन करके इसको हमेशा खरीदें। उसके बाद आ जाती है VAP 7700, तो ये वाला मॉडल आपको देगी 8 ओम पे 700 700 एक चैनल का लोड आप दे सकते हैं। इसमें पावर टू पावर है 8 ओम पे, और 4 ओम पे अगर चला रहे हो तो 1100 1100 का आप लोड दे सकते हैं दोनों पे। 1000 वाट बेस के लिए ये शायद अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें आप 4 ओम पे, अगर आपके बेस 4 ओम का है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर 8 ओम का बेस है तो इसका नेक्स्ट मॉडल हम बताएंगे। उसका अगर 2 ओम पे चला रहे तो 1400 1400 वाट तक लोड आप इसमें आराम से ये उठा पाएगा ये, और इसका डैम्पिंग फैक्टर 500 के ऊपर है, मतलब बहुत अच्छा। और सर्किटरी इसकी क्लास एच है, देखिए ये वाला पिछले वाला जो था वो क्लास ए बी था, ये क्लास एच हाई क्लास है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अब क्लास एच के एम्पलीफायर जो रहते हैं उसमें आप देखिए ये वाले, जैसे हम बताया VP, ये सब आप पीए के लिए यूज करें, टॉप के लिए चाहिए क्लास ए बी, और आप बेस के लिए क्लास एच यूज करें अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर बेस आप यूज करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, अगर 4 ओम पे यूज करना चाहते हैं, या 8 ओम पे अगर आपका 650 वाट का आहूजा साहु 650 वाट का, किसी का बेस अगर 650 वाट का है तो यहाँ पे आप 8 ओम पे एक एक लगा सकते हैं। क्लास एच का है तो क्लास एच मतलब आपको थोड़ा हाई क्लास मिलेगी यहाँ पे, और आप इसमें जो अगर चाहे तो इसमें आप लगा सकते हैं आपकी बेस, और अच्छी क्वालिटी आएगी इसकी आउटपुट। नेट जो वजन है इसकी 21 kg आएगी ये, और कीमत जो होता है 15,000 से 18,000 के बीच में आती है, बार्गेनिंग करके आप ले सकते हैं ए प्लस। उसके बाद ये आता है 8800 8800, ये वाला जो है ये 8 ओम पे 900 वाट 900 वाट ले सकता है एक चैनल पे, और 4 ओम पे 1350 वाट 1350 वाट, और उसके बाद आता है 2 ओम पे आप 1800 वाट 1800 वाट लोड दे सकते हैं। और क्लास एच की एम्पलीफायर है, बहुत अच्छा, बेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मिड के लिए, आप किसके लिए भी यूज कर सकते हैं क्लास एच की एम्पलीफायर, बेस के लिए लेकिन अच्छा भी रहेगा ये। 23 kg की वेट है, कीमत है 18 से 20 हजार। उसके बाद ये जो मॉडल है आप ये वाला VAP 9900, ये आपको 20,500 से 23,000 के बीच में आएगा। ये वाला आपको 1000 वाट की बेस चलाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, 8 ओम पे इधर 1000 वाट का बेस, उधर 8 ओम का, इधर 1000 वाट का बेस, मस्त रहेगा इसमें।
और अगर 4 ओम का है तो 1500 और 1500 पंचिंग भी अच्छी रहेगी इसमें। ए प्लस अच्छा पंचिंग देता है, आपके डैम्पिंग फैक्टर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे और ज्यादा मतलब 700 है, तो मतलब ये बहुत अच्छी आपको जो बैलेंस करके देगा आपको पूरी जो स्पीकर की जो स्पीकर जो डैम्पिंग जो होती है स्पीकर में उस वो वाला आपको अच्छी डैम्पिंग मिलेगी आपको, ताकि आपकी जो बूमी टाइप का जो बेस है वो नहीं आएगा, आपकी अच्छी क्वालिटी की जो डैम्पिंग जो होगी वो अच्छी रहेगी। और क्लास एच की आउटपुट सर्किटरी है, मतलब बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं आपकी बेस के लिए। तो ये था पूरा वीडियो। अब अगर छोटा सा ए प्लस का प्राइस रेंज अगर हम एक छोटा कर देंगे तो ये है आपकी प्राइस रेंज, ये आपको 10,000 से लेके 25,000 के अंदर आ जाती है पूरी जो इनकी जो सीरीज है, बहुत अच्छी रहती है बेस में। और टॉप के लिए आप पहला दो मॉडल यूज कर सकते हैं, 2 या 3 मॉडल ए भी जो है आप टॉप के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप, या पीए के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर बेस के लिए जा रहे हैं तो लास्ट मॉडल में आप जाइए, लास्ट 2-3 मॉडल में आप जा सकते हैं जो क्लास एच एम्पलीफायर है तो उसमें आप जा सकते हैं। अब बहुत सारे चीज है इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो हमेशा से बोलते हैं A1K स्टूडियो को लाइक करें, और आपका प्यार हमेशा मैं कोशिश करता हूं हमेशा अच्छे चीज बताने के लिए कोशिश करता हूं। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं लास्ट में अगर जो लोग देख रहे हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम है मेरा जो मदर टंग है वो उड़िया है, अगर इंग्लिश में मैं लेक्चर देता तो और आसानी से दे सकता, क्योंकि हमने पढ़ा जो जितना भी इंजीनियरिंग किया वो सब किए इंग्लिश में। अब इंग्लिश में इनको हिंदी में कन्वर्ट करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है टेक्निकल टर्म्स को, और जो लोग एक्चुअली हिंदी में पढ़े होंगे पढ़ते हैं, बहुत लोग इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ते हैं, अगर बिहार बिहार में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोग उनका इंजीनियरिंग हिंदी में रहता है, हिंदी मीडियम में वो अपना इंजीनियरिंग लिखेंगे। मतलब आप अगर एससी करंट को सलक वो डीसी करंट अगर बोलेंगे डीसी तो वो उसको बोलेंगे सलक स्रोत, कुछ ऐसा बोलेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत, डायरेक्ट करंट सलग सीधी, तो वो अपने हिसाब से बता पाएंगे। लेकिन हम लोग का जो होता है वो हम इंग्लिश में सीखते हैं और उसको हिंदी में कन्वर्सन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो आप वो समझ पा रहे होंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो। तो मैं बहुत चीज़ जानता हूँ अंदर से, लेकिन हो सकता है कि बता नहीं पाता हूँ, कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कुछ चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी हो नहीं पाता, इतना कम टाइम में बताना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कन्वर्सन करके इंग्लिश से फिर उसको हिंदी में कन्वर्सन करके और टेक्निकल टर्म को बता के आपको सारा चीज़ बताना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। जो दोस्त लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लास्ट में बोले आप क्या बोल सकते हैं, भारत माता की जय। तो आप कॉमेंट बॉक्स से लिखिए भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, नमस्कार।